हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। हम एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में फौना डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, देखिए फौना जो है वो एनिमल लाइफ को कहते हैं और फ्लोरा जो है वो प्लांट लाइफ को कहते हैं, यानी कि स्पीशीज का रिचनेस कितना है, स्पीशीज की अवेलेबिलिटी कितनी है, तो उससे लेकर जो है एनिमल डाइवर्सिटी इंडिया में किस हद तक है और उससे रिलेटेड और विच एन इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। So, yeah, let us discuss the fauna of India, यानी कि इंडिया में एनिमल रिचनेस, एनिमल स्पीशीज का रिचनेस कितना है। इंडिया सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन, हमने इसके बारे में ऑलरेडी हमारे पिछले चैप्टर्स में बात किया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर्स में इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने अलग अलग बायोम्स के, बायोम रीजन्स वगैरह के बारे में बात किया। तो एक कंक्लूजन पर जो हम आ सकते हैं वह है कि बायोडाइवर्स रीजन जो है बहुत ही मेजर बायोडाइवर्स रीजन हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। हमने गंगा प्लेन्स के बारे में देखा, हिमालयन रीजन्स के बारे में देखा, दक्कन रीजन के बारे में देखा, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सभी जो है बहुत ही रिच एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इट हैज फोर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दैट इज द हिमालयस, द वेस्टर्न घाट्स, द इंडो बर्मन रीजन एंड द सुंडा लैंड्स, दैट इज इट इंक्लूड्स द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो चार मेजर डिविजन्स किए जा सकते हैं व्हेन वी स्पीक अबाउट द फौना ऑफ इंडिया, जो कि अभी हमने बात किए हुए थे। These hotspots have numerous endemic species. Endemic species यानी कि local species हमें वहीं पर पाए जाते हैं, foreign species नहीं। तो ऐसे कई numerous endemic species जो हैं हम इन्हें इस चार biodiversity hotspots में देखने को मिलते हैं। One of the 17 mega diverse countries, of course इंडिया जो है one of the 17 mega diverse countries हैं। ब्राज़ील है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इस तरीके से अलग अलग 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज जो है वो माने जाते हैं पूरी दुनिया में, उसमें से इंडिया एक है। एंड इट इज़ होम टू 7.6% ऑफ ऑल मेमेलियंस यानी कि मैमल्स, 12.6% ऑफ ऑल एवियन यानी कि बर्ड लाइफ, 6.2% ऑफ ऑल रेप्टेलियंस यानी कि रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स वगैरह, 4.4% ऑफ ऑल एम्फीबियंस, एम्फीबियन का बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग, सेलेमेंडर वगैरह हो सकता है, 11.7% ऑफ ऑल द फिश एंड 6% ऑफ ऑल द फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज। देखिए हम आगे के चैप्टर में फ्लोरल रिचनेस के बारे में बात करेंगे, तो एज ऑफ नाउ हम फौनल रिचनेस के बारे में यानी कि एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी तादाद में जो है हमें यहाँ पर इंडिया का एनिमल डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। A little under 5% of this total area is formally classified under protected areas. हम आगे के चैप्टर्स में protected area networks के बारे में बात करेंगे। हम कई बार जो है man and biosphere या फिर biosphere reserves, wildlife sanctuaries वगैरह ऐसे words इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें specifically पता नहीं होता कि ये protected areas होते क्या हैं, wildlife reserve किसे कहते हैं, national forest किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। तो as of now पूरे इंडिया में जितना भी geographic region है उसमें से 5% total एरिया जो है वो प्रोटेक्टेड एरियास माना गया है या फिर उसे प्रोटेक्टेड एरियास की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल है इन एनिमल और प्लांट लाइफ को बचाने के लिए। इंडिया इज होम टू सेवरल वेल नोन लार्ज मैमल्स इंक्लूडिंग एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, लेपर्ड एंड इंडियन राइनोसोरस, ये सभी जो है एंडेमिक स्पीशीज हैं सब कॉन्टिनेंट के। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर इनग्रेन्ड इन आवर कल्चर, ऑफन बींग एसोसिएटेड विद द, दैट इज आपने कई बार देखा होगा दुर्गा माता को एक एशियाटिक लायन के साथ आपने देखा होगा। कई साउथ इंडिया में अगर आप आ जाएंगे तो कई लोकल कल्ट्स आपको मिलेंगे जो कि बंगाल टाइगर से रिलेट करते हैं, वहां पर भी लोकल डाइटीज जो है वो टाइगर पर आपको देखने को मिलेंगे। और एलिफेंट तो बिल्कुल लॉर्ड गणेश जो हमारे हिंदू भाई बहन जितने भी पूछते हैं, ऑफकोर्स ही इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एन एलिफेंट। तो इस तरीके से एक बहुत ही एक कल्चरल और रिलीजियस इनग्रेन जो है हमें देखने को मिलेगा एज फार एज दिस वाइल्ड एनिमल्स आर कंसर्न। These large mammals are important for wildlife tourism in India and several national parks and wildlife sanctuaries cater to these needs. ये national parks और wildlife sanctuaries क्या होते हैं हम आगे के chapters में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये protected areas हैं और यहाँ पर wildlife की tourism भी जो है वो अच्छे खासे तादाद में carry on होती है। तो इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में हमने बात करने हैं। हम ऑफकोर्स आगे के चैप्टर में भी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के बारे में वहां पर भी हम देखेंगे कि इस तरीके के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो टाइगर्स को बचाने के लिए किया गया था। उनकी तादाद बहुत ही बुरी तरीके से गिर गई हुई थी। टाइगर जो है वो एंडेमिक है इंडिया को लेकर, खासकर एशियाटिक टाइगर्स जो है, बंगाल टाइगर जो है। तो इट वॉज स्टार्टेड इन 1972 एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज स्टार्टेड इन 1992। एलिफेंट्स को भी जो है वो बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट एलिफेंट दिया गया था। दोनों ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है
प्रोजेक्ट को बचाने के टाइगर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी फर्दर बनाई गई थी। एंड अगेन प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी जो है पहले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही जो है अंडरटेक कर रहा था। तो एज ऑफ नाउ भी बातचीत चल रही है कि स्पेसिफिक जो है इसी तरीके का नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाया जाए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन राइनोस टुडे सर्वाइव इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए काजीकोडे नेशनल पार्क जो है वो केरला में है, काजीरंगा जो है वो असम में है। कई बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है, कई बार गलती हो जाती है। तो काजीकोडे इज इन केरला, काजीरंगा इज इन असम। तो इस तरीके से उन्हें बचाने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए भी कई इस तरीके के इनिशिएटिव्स और स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है। देर आर अबाउट 2,546 स्पीशीज ऑफ फिशेस, अबाउट 11% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज फाउंड इन इंडियन वाटर्स, अबाउट 197 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, दैट इज 4.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड, एंड मोर देन 408 रेप्टाइल स्पीशीज, दैट इज 6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल आर फाउंड इन इंडिया। देखिए इन सभी नंबर्स को आपको बायहार्ट करने की जरूरत नहीं है। एक मीनिंग जो आपको समझना ये है कि भाई अच्छा खासा जो है डाइवर्सिटी इंडिया में हमें मिलती है देखने को, खासकर एनिमल लाइफ को लेकर, और उसे जो है हमें प्रिजर्व करना है। देर आर अबाउट 1,250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, एवियन जो लाइफ हम कहते हैं, फ्रॉम इंडिया अकाउंटिंग फॉर अबाउट 12% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज। पूरी दुनिया भर में 12% जो वर्ल्ड स्पीशीज हैं बर्ड्स के, वो हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। हमने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में भी बात किया, हम आगे के चैप्टर्स में भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन में देखेंगे कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो है वो साइन किया गया था। तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी जो है बहुत ही जरूरी होते हैं। देर आर अबाउट 410 स्पीशीज ऑफ मैमल्स नोन फ्रॉम इंडिया, विच इज अबाउट 8.86% ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज। तो मैमल्स की भी जो है खासकर तादाद बहुत ही अच्छी है। मैमल्स यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिन्हें कहा जाता है, तो इनकी तादाद भी जो है इंडिया में बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो भाई इस एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट एक्सटिंक्शन से है, यानी कि वो एक्सटिंक्शन के गगार पर पहुंच रहे हैं। कई ऐसे एनिमल्स, बेस्ट एग्जांपल एशियाटिक लायंस हो या फिर टाइगर्स वगैरह हो या फिर वन हॉर्न्ड राइनोस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्शन के गगार पर आगे जा रहे हैं। तो ये किस तरीके से हो सकते हैं? देखिए दो तरीके से हो सकता है इनका एक्सटिंक्शन। पहला तो नेचुरल एक्सटिंक्शन यानी कि नेचुरल तरीके से हो सकता है, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। अल्फ्रेड वेगेनार की एक थियोरी थी जो कि जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, स्कॉलर थे, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि वो कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने की वजह से जो है इस तरीके का एक्सटिंक्शन आ सकता है। अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, मैंने ऑलरेडी कहा कि क्लाइमेट चेंज इनएविटेबल है, लेकिन नेचर क्लाइमेट चेंज जब देता है, नेचर में जब ऑटोमेटिकली क्लाइमेट चेंज आता है तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जब ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज आता है तो हार्मफुल हो सकता है। तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से भी नेचुरल एक्सटिंक्शन हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल अगेन डायनासोर्स वगैरह, टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो कि अंडरग्राउंड प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह होते हैं, प्लेट के मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, तो इसके वजह से भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से भी कॉन्टिनेंट्स का फॉर्म होना, डिस्ट्रॉय होना, इसके वजह से भी एनिमल लाइफ को जो है हार्म पहुंच सकता है। इंक्रीज्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी एक्सेट्रा, वॉल्केनो एक्टिविटी पर भी जो है इंसानी दबाव नहीं है, ये भी एक नेचुरल कॉज है। तो जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज वगैरह होते हैं तो वहां पर भी प्लांट और एनिमल लाइफ डिस्ट्रॉय होते ही हैं। लेकिन आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड क्या हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, एक डायरेक्ट कॉजेस सच एज हंटिंग, कलेक्शन और कैप्चर एंड परसिक्यूशन, इलीगल ट्रेड, पोचिंग वगैरह डायरेक्ट कॉजेस हैं इन एनिमल्स के एक्सटिंक्शन के। बेस्ट एग्जांपल पंगोलिन के बारे में हमने कहा, चाइना। एंड इनडायरेक्ट कॉजेस, इनडायरेक्ट कॉजेस सच एज हैबिटेट लॉस यानी कि उनके रहने की जगह, उनके फॉरेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। हमने इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज के चैप्टर में देखा कि अर्बनाइजेशन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इश्यूज विच ऑफनली वी स्पीक अबाउट, लेकिन विच ऑल्सो वी ऑफन इग्नोर अबाउट। तो हैबिटेट लॉस जो है वो कई बार होता है, एंड यू पुश दीज पुअर एनिमल्स कमिंग ऑन रोड। ट्रेन कोल्यूशंस के एक्सीडेंट्स की वजह से भी मारे जाते हैं कई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इसके बारे में हमने बात किया हुआ था। मॉडिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इनवेसिव स्पीशीज। इनवेसिव स्पीशीज जो है वो फॉरेन स्पीशीज होते हैं, वो स्पेसिफिक किसी एक जगह से जो है किसी ना किसी तरीके से वो मूव होते हैं थ्रू एनिमल्स और प्लांट्स और थ्रू ह्यूमंस, वो किसी भी तरीके से दूसरे एरिया में आ जाते हैं और दूसरे एरिया का जो एक्सॉटिक स्पीशीज होते हैं वहाँ पर जो एंडेमिक स्पीशीज होते हैं वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन करते हैं। तो इस तरीके से इनवेसिव स्पीशीज भी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से पुश कर रहे हैं एनिमल्स को, इन प्लांट लाइफ को एक्सटिंक्ट होने के लिए। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।